दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत गोरखपुर महानगर द्वारा श्रद्धांजलि सभा का शनिवार को सुबह आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में छात्र निहाल सिंह ने बताया कि आज हम शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित किए और हम सभी छात्र शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र निहाल सिंह ने कहा, निहाल सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा पुलगावा में शहीद हुए हमारे सभी जवानों को आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजित किया गया। हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर अपना दुख व्यक्त किया और शहीदों के प्रति हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की। हम लोग उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम पूरा साथ देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सेना के साथ है और देश के साथ है। देश के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम हमेशा उठाएँगे। और जो ये घटना बड़ी ही निंदनीय, पाकिस्तान द्वारा ये घटना बड़ा है, निंदनीय घटना है। हम इसका पूरा तरह से हम लोग निंदा करते हैं। इस तरह का कायराना हरकत से पाकिस्तान बार बार बाज नहीं आ रहा है, हमेशा हमला करता जा रहा है और हमारे जवान शहादत को हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस हम लोग से सबक सिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में जितने भी बैठे हैं इस जिहादियों हैं, उनको हम लोग कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि अब सुधर जाओ, मौका है, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उनको हम पूरी तरह कटिबद्धता के साथ हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।